अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह हक के साथ फैसला करता कि सबको मालूम होना चाहिए। हम जो 2 एकड़ 7 घंटे के वास्ते खबरस्तान के वास्ते जो जद्दोजहद कर रहे थे हमारे बड़े लोग, आज है ना अल्लाह ताला हमको है ना 4 एकड़ 7 घंटे दिया। अब जो भी लोग ईदगाह के वास्ते जो फाइट कर रहे थे उनसे हदबंद गुजारिश करते कि ईदगाह की जगह के वास्ते कहीं और देखिए। देखिए साहब, आपको है ना एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, ये खबरस्तान की जगह को अगर दूसरे जगह हम लेने गए तो भी बाजू वाले जितने भी लैंड वाले रहते करोड़पतियाँ की, जो पैसे डालकर लैंड बनाते करोड़ों रुपये डाल के, वैसी जगह पे है ना खबरस्तान बनाने को ऑब्जेक्शन करते। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए साहब आप ईदगाह के वास्ते हम कहीं भी बनाते, आप भी बनाइए, हम भी आपके साथ रहते, ऐसा कोई बात नहीं। इतना अच्छा ना, अब है ना अल्लाह का करम है, 4 एकड़ है ना डीसी साहब की तरफ सेवा, उसका शुक्रिया अदा करते, डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते। अब आप लोग है ना कोई भी है ना इसके अंदर दखल अंदाजी मत करिए, ना ये आपका है ना मेरा है, पूरे कौम का है, पूरे लोग का है। आप जितना मेहनत करें हम भी उतना मेहनत करेंगे। अब आगे कहीं भी है ना ईदगाह की जगह देखेंगे, इसमें आप कोई भी ये करेंगे तो रही शुरू के आवाम को आप जवाब देना पड़ेगा, जबकि हम 2 एकड़ 7 घंटे के थे 4 एकड़ हो गया। ये अल्लाह की मर्जी है, हम तुम बोलने की ज़रूरत नहीं। क्या डीसी साहब को जैसा कल जाकर मिलने के साथ ही उन्होंने देखेंगे करेंगे बोले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो गया। हम इतना रिक्वेस्ट करते आप सब लोग है ना इस खबरस्तान के हिस्से में साथ दीजिए, हमारे अब्दुल सत्तार साहब जो मेहनत करें इनके हक में भी दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ माजरत के साथ, मरहूम अलीम खान साहब जो हमारे को सत्तार भाई के साथ शाना बशाना जो साथ दिए उनके हक में भी दुआ करिए, ताकि उनकी मेहनत जो रंग लाई आज उन्होंने दुनिया में नहीं रहे भी परवाह नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो ऐसे नेक काम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अब्दुल सत्तार साहब का साथ दिए। और रही शहरा ने रही चूर वालों से भी गुजारिश करते कि आप लोग भी है ना इसमें कमेंट में लिखिए कि खबरस्तान को हो गया, आगे है ना ईदगाह का कहीं और देखिए बोलकर। अब वो पूरे लीडरों से रिक्वेस्ट करते, रायचूर का सब लीडर कर को दिए, कौन भी नहीं करे सब करे, अब हमारे खबरस्तान की जगह सब मिलकर कर को दिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चाचा दरवाजा आ जाओ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बहुत खुशी है कि जो है हमारे पहले के जो है ना जो जिला अधिकारी जो है ना उन लोग जो है 2 एकड़ 7 घंटे हमें दिए थे। 2 एकड़ 7 घंटे देने के बाद हमारे को खुशी हुई कि उसको जो है ना हम हर चीज़ में वर्क बोर्ड में जो है ना रजिस्ट्रेशन करा के बेंगलुरु से अप्रूवल लेके वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। और दूसरी चीज़ क्या है, हम कमेटी को भी अप्रूवल करें, करने के बाद जो है ना वो भी फॉर्म नंबर 42 वो आ गया है। सिर्फ 3 जुम्मा के जो है ना इंतजार में था, वो होने के बाद जो है ना कमेटी में हम जो है ना सब जो है बैठ के क्या इस तरह से जो है ना खबरस्तान बनाना चाहिए उसको जो हम डिसाइड करे थे उसके अंदर। लिहाजा जो है ना कल जो है ना हम सब लोग मिलकर जाकर डीसी साहब से एक मेमोरेंडम दिए, दे के कहे देखो साहब वहाँ पर जो खबरस्तान है खबरस्तान रहेगा, बाकी का जो है ना हम ईदगाह को जो बना रहे हैं ना बहुत खुशी की बात है, हम भी ताउन करते वहाँ पर जो है ना ईदगाह बने दे। जब खबरस्तान जो है ना आप जो है ना 4 एकड़ को देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर हमारे को 2 एकड़ 7 घंटे दिए ना, 2 एकड़ 7 घंटे छोड़ दे, 2 एकड़ में ना आप ईदगाह बना लो, बाद में आते आते जो है ना कोई भी है ना लोग बेचे तो जो है ना उसको खरीद ले सकते हैं। लेकिन जाते हुए खबरस्तान को जो है ना उसको निकाल कर जो है ना तुम ईदगाह बना रहे बोले तो जो है ना आलिमों को उनको से पूछो, वहाँ के लोगों को भी पूछो के लोग जो है ना ये बन सकता भाई सिर्फ हमारे को खबरस्तान ना कोई ईदगाह ही बना है बोले तो जो है ना हमारा क्या भी इतराज नहीं है, हम क्यों ये करना इसके अंदर, क्योंकि जो है आपस में लड़ने वालों को दूसरों को फायदा नहीं होना इसके अंदर। इसलिए जो है ना मैं बहुत से लोगों को जो है मैं रिक्वेस्ट भी किया वो खबरस्तान ज़रूरी है, जैसा ही नमाज होते के साथ मरते जो है ना मरहूम के पास जाके फातिहा दिलाते। नहीं सत्तर साहब आप बिल्कुल सही है, इससे पहले आप एक प्रेस मीट करें इस बार भी करें, मगर ये खबरस्तान की जो हदबंदी है जो भी काम है ये काम आपकी कमेटी तश्कील देकर काम कब शुरू करेंगे इंशाल्लाह जो है ना उसको जो है ना 1 महीने के अंदर भी कर सकते हैं इसके अंदर वो क्या कर सकते हैं या कर रहे हैं करते हैं इंशाल्लाह करते। और एक दूसरी चीज़ क्या है, बाजू जो है ना जो है ना गवर्नमेंट जो है ना जो अलाटमेंट करी है वो लैंड जो है ना कहाँ से कहाँ तक है, कांटे रहने की वजह से जो है ना उसको सर्वे नहीं कराए, उसके बाद फिर सर्वे कराए, सर्वे कराने के बाद जो है ना पत्र भी डालना बल्कि कोशिश की उसके अंदर वो दूर होता बोले के बाद पत्रे भी नहीं गाड़े हम उसको, बाद में से जो है पत्रे गाड़ के जो है ना काम ही चालू करना बोल के हमारा प्लान करा थे। कमेटी वाले बोले हम सब जो है ना मिलकर जो है ना काम करेंगे,
हम गवर्नमेंट से जो भी फंड मिलेगा हम फंड में लेकर आएंगे, बाकी का हम खुद डालते, किसी के पास एक पैसा नहीं मांगते, ये हमारा वादा है। जाके जो हम कब्रस्तान बना रहे वहाँ मुझे मंग उठाए, यहाँ मुझे मंग, ये आदत नहीं है हमारे पास। हम जहाँ भी बनाए अल्लाह के राह में बनाए, अल्लाह के जो है ना उसके हुक्म से बनाए, मैं नहीं बनाया, मेरा मालिक बना लगा मुझे इसके। इसलिए लिहाजा चाहता हूँ वहाँ की आवाम को, कब्रस्तान बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर कब्रस्तान अगर नहीं रहेगा तो जो है ना कहाँ गाड़ी है आप लोग। कब्रस्तान का तो मुकम्मल हो गया, हो गया हो गई, मगर काम कब स्टार्ट करेंगे? मेरे लिए इंशाल्लाह जो है ना एक महीने के अंदर भी तो चालू करेंगे। वाकबोर्ड में 2 एकड़ था ना, अब उसे 4 एकड़ अलॉटमेंट कराए, नहीं अलॉटमेंट करे वो कल क्या परसों आ गया है डीसी साहब हमारे, वो डीसी साहब करे सो है, हमारे खुशी की बात है इसके अंदर। हम लिहाजा ये बोलते जो है ना वहाँ के जो है ना सियासत ही मत करिए, सियासत ही करने के बाद जो है ना हर आदमी जो है ना एक 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 चालू होता था उसमें जो है ना हमारे खुद हमारी इज्जत जो है ना बाहर निकाले वैसा होता इसके अंदर, हमारी जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को जो है ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 2 एकड़ 7 फुट छोड़कर 2 एकड़ 4 एकड़ आपको दिए ना भाई, 2 एकड़ में जो है ना खबर ये बना लो ईदगाह बना लो, खुशी की बात है ना। उसके अंदर ये कंपाउंड हमारा अलग रहता, आपका कट्टा अलग रहता, उसके अंदर जैसा ही नमाज पढ़ते जो है ना मरहूम के पास जाके जो है ना फातिहा दिलाते, साहिबा को पास जाती सर, जहाँ भी जो है ना साहिब है वली अल्लाह है बुजुर्गान दीन के पास जाके ना फातिहा दिलाते, उसको रख लो उसके अंदर। सिर्फ ईदगाह 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 बोल रहे, ईदगाह को रखो बोल रहे, आप जो दे रहे हैं ना मैं इंशाल्लाह मैं उसके वो ईदगाह को ना सेपरेट तुम बना तो मैं क्या देने का मैं देता हूँ, ये हमारा वादा है, वो हम नहीं बोलते करके बताते उसके अंदर। इसलिए जो है आप मेहरबानी करके जो है ना इसको सियासत मत करिए, सियासत करने से जो है ना बढ़ते ही जाता है इसके अंदर, लोग देखे इस वाले को जो है ना ये बेटे ना ईदगाह करते ना कब्रस्तान करते, कब्रस्तान करे इस वाले करते बोले। नहीं अब जो भी बोलना है वो लोग बोल दिए, वो अपनी जगह है, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप काम चालू करिए मुकम्मल करिए बस। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरायचूर में कब्रस्तान के ताल्लुक से हम लोग सर्वे नंबर 73 में 2 एकड़ 7 घंटे ज़मीन दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र अदा किया था कि भाई अल्लाह का एहसान है, हमारे मरहूमीन को वहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है। उसके बाद कुछ सुनने में आया था कि भाई ईदगाह के ताल्लुक से भी वहाँ पे कुछ और हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं और जगह उसके अंदर काफ़ी बची हुई थी, वो लोग लेने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह की मदद से और जितने भी मेहनत करने वाले हैं कमेटी के सदर और जितने भी जवान कमेटी के लोग पूरे और साथ ही साथ पूरे पॉलिटिकल लीडर्स और रायचूर की अवाम की दुआओं के नतीजे से हमको वो सर्वे नंबर में हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब के ऑर्डर के मुताबिक हमको 4 एकड़ 7 घंटे पूरा वहाँ पे कब्रस्तान के लिए जगह मिली है। और ये पानी है मौजूदा पानी हमने आपको कल शाम में मिली, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी मिले थे, मुलाकात किए थे, उन्होंने भी अच्छा ताउन किया हमारे साथ, अच्छा बर्ताव करते हुए समझाया कि इंशाल्लाह मैं देखता हूँ इस बारे में बोल के बोले थे। अचानक सा हम लोग जाके देखने पर ये हमारे को मिली हुई है और हम शुक्र अदा करते हैं उन ऑफिसरों का जिन्होंने भी इसके अंदर काम किया है, शुक्र अदा करते हैं उन पॉलिटिशियनों का जिन्होंने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम किया है, और शुक्र अदा करते हैं उन माँ बहनों का और उन भाइयों का जिन्होंने भी ये कब्रस्तान के मिलने पर दुआएं की है, और साथ ही साथ इनकी जिनकी मेहनत लगी हुई है, जो लोग साथ दिए हुए हैं दुआ करें, उन सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करने के लिए आपके चैनल के ज़रिए हम लोग सभी अवाम रायचूर अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्र अदा करते हैं, ताकि वो लोगों को एक अच्छा मौका और अच्छी जगह पूरे 4 एकड़ 7 घंटे कब्रस्तान के लिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम शुरुआत करेंगे। मेरे नागोटी साहब ये बताइए, यहाँ पे डीसी ऑर्डर 18/8/2023 को 2 एकड़ 7 घंटे बताना जा रहा है जी, आप जो है ना 4 एकड़ 7 घंटे बता रहे हैं कल का नहीं जी जी, वो मेरे को ऑर्डर बताइए। देखिए हमने मुतालबा किया था 2 एकड़ 7 घंटे का ही, उसमें हम सहमत थे और उतनी जगह काफ़ी हो जाएंगी, हमने शुक्र अदा भी किया था आपके माध्यम से सभी का। और अचानक से हम लोग कुछ ईदगाह की तश्कील रखी गई थी, ईदगाह का मुतालबा होने से बहुत सारे लीडरों ने ईदगाह
का काम जारी कर रहे, फलां फलां बोल के आप लोग के जरिए देखा गया, सब ग्रोचर्स वगैरह सभी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छी बात है। हमको ईदगाह की भी ज़रूरत है, हमने वो चीज़ को कभी इनकार नहीं किया, हम ईदगाह को भी ताउन करेंगे, ईदगाह का भी साथ देंगे। बस 2 एकड़ 7 गुंटे रखते हुए आप बाकिया जगह में ईदगाह बनाइए, हम साथ रहेंगे, हम लोग यही बोला था। और साथ ही साथ अचानक सा हम लोग जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को मिलने के बाद में बोला, देखिए हमको कब्रिस्तान की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारे 60 से 70 कॉलोनी लगते हैं, तकरीबन 25-30 हज़ार अफराद रहते हैं उस ब्रिज के इस हिस्से में, आज ज़रूरत है कब्रिस्तान की। हमने जाके उनसे गुजारिश भी किया, ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, ये सब गेजेट नोटिफिकेशन हो के वक्त में पानी में आ चुका है साहब, बराए मेहरबानी इसको आप जैसा है वैसा ही रखेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश करें हम लोग जाने के बाद में। अचानक से हम लोग कल शाम में सिस्टम से देखे पानी में, तो हमारे को पूरा एक तोहफे की तरह बड़ा, क्योंकि तादाद ज़्यादा होने से हो सकता हो 25-30 हज़ार की तादाद के हिसाब से उन लोग 4 एकड़ 7 घंटे उन्होंने दिए होंगे, उनका शुक्र अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का भी, और जो लोग भी लीडर हैं उनको बोले उनका भी शुक्र अदा करते हैं, जो लोग साहेब समझ लोग बोले उनका भी शुक्र अदा करते हैं, जो लोग दुआ में शामिल हुए उनका भी शुक्र अदा करते हैं। ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೊ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ಹೋರಾಟ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀರೋಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಯಾರು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ.